मुरादाबाद में देर रात तक चली 31 दिसंबर की पार्टी में भाजपा के कुछ नेता आपस में भिड़ गए, जिसकी सूचना पर थाना मंझोला पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला और बढ़ गया और दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। ये पूरा घटनाक्रम थाना मंझोला इलाके की मल्टी 11 आर्किट की बताई जा रही है। इस मारपीट के जो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक चौबे घायल अवस्था में साफ नजर आ रहे हैं, जबकि निखिल नाम का भाजपा कार्यकर्ता कैमरे से बचता हुआ धमकी देते हुए फिर साफ नजर आ रहा है। मामला बढ़ने के बाद नगर विधायक रितेश गुप्ता भी थाने पहुंच गए और पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन इस मारपीट में घायल हुए दो पुलिस कर्मियों ने देर रात ही जिला अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार कराया है। इस मामले में जब भाजपा नेता अभिषेक चौबे से बात की गई तो उन्होंने दूसरे पक्ष पर दबंगई का आरोप लगाते हुए पुलिस पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया है। सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा होने के कारण कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहा है। जी सर, क्या नाम है? अभिषेक चौबे। सर, क्या घटना हुई? कल 31 दिसंबर को हमारे सोसाइटी ग्रीन ऑर्चर्ड, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक न्यू ईयर की पार्टी हम ही सब स्थानीय निवासी जो है वहाँ के सोसाइटी को उन्होंने की। मैं करीबन 10 बजे भोजन करके अपने घर चला गया था। 11:30 बजे करीब मुझे एक सोसाइटी के निवासी का फ़ोन आया कि सोसाइटी में झगड़ा हो गया है और कुछ गुंडे घुस आए हैं, आप पुलिस को फ़ोन करके सहायता मंगवा दें। मैंने एसओ मझोला को फ़ोन किया, मैंने कहा कि पुलिस सहायता भेजें। मैं कपड़े पहन के जब नीचे पहुंचा तो वहाँ निखिल यादव पुत्र नरेश यादव, ये कोई टिकट मांग रहे हैं बिलारी से, वो वहाँ अपने साथियों के साथ जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे मारापीटी कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या वजह थी, तो सोसाइटी के लोगों ने बताया कि न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, डीजे पे ये लोग अचानक से पहुँचे, वहाँ महिलाएँ थी उनके साथ बदतमीजी करने लगे, जब लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मैंने जाके बीच बचाव करने की कोशिश करी तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहाँ एक 15 साल का लड़का था, उसके ऊपर इन्होंने डंडों से हमला किया। मैं उसको बचाने के लिए बीच में आया तो लाकड़ी चौकी इंचार्ज बालेंद्र यादव जो हैं वो उस लड़के को, 15 साल का जो लड़का, नाबालिग लड़का था, उसे गाड़ी में उठा के ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो मैंने विरोध किया कि यही लड़का पिट रहा था, आप इसी को ले आ रहे हैं और आप आरोपियों को कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने एसओ मझोला को दोबारा फ़ोन किया और मैंने उनसे भी बोला कि आपकी पुलिस आकर आरोपियों की मदद कर रही है, हम लोगों की कोई सहायता नहीं कर रही। इतने में जो निखिल यादव है उसका एक साथी था, उसने आके मेरे पर हमला किया और मेरे चेहरे पे ये जो चोट देख रहे हैं आप, उसी के हमले से मेरे को चोट आई है। डॉक्टर का कहना है कि शायद फ्रैक्चर आ गया है नाक में फ्रैक्चर आ गया। कुल मिलाकर कितने लोग थे सर? मैंने उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज जो है बालेंद्र यादव, उनसे मैंने कहा कि ये आरोपी भाग रहा है, इसे पकड़िए। बालेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ जो कि नशे की हालत में धुत थे पुलिस वाले, उन्होंने उस आरोपियों को पकड़ने की बजाय हम पर लाठियों से हमला कर दिया। मेरे महामंत्री वहाँ, जब उन्होंने देखा कि पुलिस मुझे मार रही है तो उन्होंने लाइव वीडियो चलाई, आरोपी भाग रहे थे उनके लिए लाइव वीडियो चलाई। जब पुलिस ने देखा कि लाइव वीडियो बन गई है तो उनका भी फ़ोन छीन के और उनके ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया। 7 से 8 वाले पुलिस वालों ने उनको मारा, उनके भी उल्टे हाथ में फ्रैक्चर आया है। मेरे साथ मेरे उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी जी थे, उनको भी पुलिस वालों ने मारा और हम सबको बिठाकर पुलिस वाले, आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों को पकड़ा, बाकी 6 से 7 जो मुख्य आरोपी थे उन्हें भगा दिया गया और हमें थाने ले गए। थाने ले आके भी हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। थाना अध्यक्ष को सारी बातें पता थी, एसओ मझोला को सारी बातें पता थी। उन्होंने जैसे ही देखा कि माननीय विधायक जी रितेश गुप्ता जी वहाँ पहुँचे और भाजपा के मेरे कार्यकर्ता जो थे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जब वहाँ पहुँचने लगे उन्होंने अपने सभी पुलिसकर्मियों को वहाँ से भगा दिया, थाने से भगा दिया। किसी का मेडिकल नहीं कराया, हमारा मेडिकल रात में हुआ, हमारा एक्सरे होना था, उसके लिए भी आज सुबह से आनाकानी हो रही थी कि पर्ची जो है वो वहाँ पहुँच गई थी और पुलिस वाले देने को तैयार नहीं थे। आज हमने IG शलभ माथुर जी से मिलकर जब शिकायत करी है तब हमें इस टाइम हमें पर्ची मिली और हम यहाँ सिविल अस्पताल में एक्सरे कराने। सर, आपके द्वारा थाने में भी कोई तहरीर दी गई है? मेरे द्वारा थाने में भी तहरीर दी गई है, सोसाइटी के लोगों द्वारा भी थाने में तहरीर दी गई है, मेरे द्वारा IG शलभ माथुर जी को भी तहरीर दी गई है। सर, क्या चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना ही, आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम ही कार्यकर्ता हैं जो दिन रात काम कर सरकार बनाने का काम करते हैं और यह हमारी सरकार की कमी नहीं, ये पुलिस प्रशासन में बैठे उन अधिकारियों की कमी है जिनकी दलाली, जिनकी उगाही इस सरकार ने बंद कर दी है।